अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान भी जिक्र किया था कि आजकल रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं और किस तरह से अब नई सिचुएशन के हिसाब से, बदलते हुए हालात के हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को टैकल किया जाता है। चेंजिंग स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से मैंने ये भी जिक्र किया था कि इंश्योरेंस डायनेमिक्स क्या होती हैं, और ख़ास तौर से तसव्वुर ये किया जाता है कि जब कभी रिस्क के बारे में कोई बात हुई, रिस्क को मिनिमाइज़ करना हुआ, तो रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, वो इंश्योरेंस करवा के। भाई ये तो बात नहीं होती ना, हाँ उसके भी डायनेमिक्स होते हैं, उस डायनेमिक्स के हिसाब से इंश्योरेंस को कवर किया जा रहा होता, लिहाजा इंश्योरेंस डायनेमिक्स का भी जिक्र हुआ। साथ में ये भी बात हुई कि लॉस को किस तरह से फॉरकास्ट किया जाता है, लॉस फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब कभी भी कोई बात रिस्क के हवाले से आएगी तो हमेशा ये याद रखिए लॉसेस के बारे में जिक्र होगा, क्योंकि रिस्क ही असल चीज़ ये होती है कि लॉस वहाँ पर कितना हो रहा है और स्टेक होल्डर्स किस तरह से इसको अपने आप को बचाएंगे इस लॉस से। तो लॉस फॉरकास्टिंग भी एक प्राइमरी और ऑब्लिगेटरी रोल है जो रिस्क मैनेजर ने उसको एसरटेन करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस उसकी डायनेमिक्स किस अंदाज में उसकी करनी चाहिए, ये रिस्क मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस कर ली गई इन हालात के तहत। मैंने आपसे एक मिसाल भी दी थी कि रिस्क के हवाले से पास्ट को लिंक किया जाता है प्रेजेंट से और प्रेजेंट को लिंक किया जाता है फ्यूचर से। जब कभी ये रोल आएगा तो हमेशा ये याद रखिएगा, यहीं पे आके सारी फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाती है कि पहले क्या बात हुई, अब क्या हो रही है और आइंदा क्या होगी, क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन की वहाँ ज़रूरत है, और उस एंटिसिपेशन के पेश नज़र फिर ये देखना होता है कि यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा होंगे या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिटर्न्स कम हो जाएंगे। जब तक हमें ये एसरटेन करने की बात नहीं होती, हम समझ नहीं पाते, उस वक्त तक हम सही मानों में रिस्क एनालिसिस नहीं कर सकते। अब इंश्योरर के रोल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से इंश्योरेंस को आगे बढ़ाना होता है, मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, इसका भी जिक्र हमने किया। हमने मुख्तलिफ किस्म के इंश्योरेंस कंपनीज का जिक्र किया और इसके तहत कितने टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स हैं, इनका भी हमने जिक्र आया। अब इसी बात को आगे ले चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि टाइप्स जो हैं प्राइवेट इंश्योरर्स के वो कौन कौन से हैं, ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो जाए कि जिस वक्त कोई रिस्क के हवाले से जब टाइप्स की बात आए इंश्योरेंस कंपनीज की तो वो क्या क्या है। लेट्स सी व्हाट द स्लाइड सेज। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स, अ स्टॉक इंश्योरर इज अ कॉरपोरेशन ओन्ड बाय स्टॉक होल्डर्स, ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट फॉर स्टॉक होल्डर्स, इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्टॉक, पे डिविडेंड्स, स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टॉक होल्डर्स बेयर ऑल लॉसेस, इंश्योरर कैन नॉट इशू एन accessible policy. A mutual insurer is a corporation owned by the policy owners. Policy owners elect board of directors who have effective management control, may pay dividends to policy owners or give a rate reduction in advance. There are three main types of mutual insurers. Mukhtalif categories hoti hain insurance agencies ki, insurance companies ki. Aapne kuch dekha ki kuch type insurance ke hote hain जो प्राइवेट इंश्योरर्स के नाम से होते हैं, और वो प्राइवेट इंश्योरर्स क्या क्या करते हैं, इसका भी जिक्र हुआ। अब ये देखना है कि म्यूचुअल इंश्योरेंस जो है वो क्या होती है और कितने तरह की होती है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर्स। एन एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल इज ओन्ड बाय द पॉलिसी ओनर्स, देयर आर नो स्टॉक होल्डर्स एंड द इंश्योरर डज नॉट इशू एसेसेबल पॉलिसीज। एन असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर्स an additional amount if the insurer's financial operations are unfavorable. A fraternal insurer is a mutual insurer that provides life and health insurance to members of a social or religious organizations. ye mukhtalif qisam ki insurance companies hain jo mutual insurance ke hawale se jinka zikr kiya maine, aur aapko ye andaaza ho gaya hoga ki ye kya farq hai, mutual insurance ka kya farq hai, assessment mutual kise kehte hain, एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल किसे कहते हैं, और फ्रेटर्नल इंश्योरर किस तरह से होती है। जब ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो जनरेट कर लेती हैं, उनका पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से फिर वो म्यूचुअल इंश्योरेंस
आ जाती है। अब मजीद देखते हैं, एक स्लाइड और है आपके सामने, वो इंश्योरेंस के हवाले से। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स, द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर्स इज चेंजिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन कंपनी मर्जर्स, डी म्यूचुअलाइजेशन इन विच अ म्यूचुअल कंपनी इज कन्वर्टेड इन टू अ स्टॉक इंश्योरर बाय प्योर कन्वर्जन, मर्जर, बल्क एंड री इंश्योरेंस, द क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज। A holding company is a company that directly or indirectly controls an authorized insurer. ये वक्त के साथ साथ, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जब रिस्क की बात आती है, स्कोप की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले जो बात होती है वक्त और बदलते हुए हालात के तहत हमें क्या क्या इकदाम करने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आगे अपने एनालिसिस को भी फ़रोग देते हैं। जब तक हम अपने को चेंजिंग सिनेरियो से एक्लिमेटाइज नहीं कर लेंगे किसी अंदाज में भी, तो ये आप याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि आप कभी उस रिस्क को कोप नहीं कर सकेंगे। बात आ जाती है कि सिचुएशनल एनालिसिस की, बात आ जाती है रिस्क एनालिसिस की बदलते हुए हालात में। जब हालात बदलते हैं तो उसी हिसाब से रिस्क का अंदाज़ा भी मुख्तलिफ हो जाता है, और वो बातें नहीं रहा करती जो कभी किसी ज़माने में होती हैं। अब मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स पे एक रोशनी डालते हैं। अ कैप्टिव इंश्योरर इज़ एन इंश्योरर ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरिंग द पेरेंट फर्म्स लॉस एक्सपोजर्स। सेविंग्स बैंक लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग्स बैंक्स ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट्स। अब वक्त के साथ देखिए कितने हालात बदल जाते हैं। आपको देख अंदाज़ा हो गया होगा कि वेबसाइट से और टेलीफोन पे और वर्बली कह देने से इंश्योरेंस का काफ़ी पार्ट प्ले हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये चेंजिंग सिनेरियोज हैं, ये सब क्या है, ये चेंजिंग सिचुएशंस हैं। अब इतना लोगों के पास वक्त नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर कदम पर पार्ट अपना प्ले करता है। अब यहाँ तक होता है कि एक शख्स के पास दो मिनट अगर हैं तो वो भी कोशिश ये करेगा कि उसकी कीमत उसे मिल जाए। जब ये कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो उसी हिसाब से रिस्क के सिनेरियोज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें इंश्योरेंस के हवाले से बात होती है तो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का भी जिक्र होता है कि वो एजेंट्स क्या हैं, ब्रोकर्स क्या हैं, और वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न। लेट्स सी इन शेप ऑफ अ स्लाइड। एन एजेंट इज समवन who legally represents the principal and has the authority to act on the principal's behalf. Authority may be expressed, implied, apparent. The principal is responsible for all acts of an agent when the agent is acting within the scope of authority. Baat ho rahi thi agents aur brokers ke hawale se. Agents aur brokers ka kya role hota hai insurance ke hawale se. Ab ye insurance jo hai jis waqt hoti hai, इसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि ये रिस्क से वाबस्ता होती है, लेकिन मैं ये भी आपसे कह चुका हूँ कि रिस्क जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस से अपने आप को बचा लेना नहीं होता, बल्कि जब आप मार्केट में आते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी तरह का कोई कारोबार होता है और इन्वेस्टमेंट करने की जहाँ पर कोशिश हो रही होती है, तो आप ये यकीन रखिएगा इंश्योरेंस जो है वो हाँ आपको बचा ज़रूर लेती है। कुछ अक्सर ऐसे नागहानी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप बच तो जाते हैं, लेकिन वही नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस करवा ली और इत्मीनान से बैठ गए, बल्कि आप ये देखते हैं कि किस तरह से इसको सैलवेज की जा सकती है सिचुएशन, और एजेंट्स और ब्रोकर्स अपना कहाँ पे फाल किरदार अदा करते हैं। आइए इस पर भी देखते हैं, एक स्लाइड आपके सामने है। अ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी एजेंट हैज़ द पावर टू बाइंड द इंश्योरर। अ बाइंडर प्रोवाइड्स टेम्प्रेरी इंश्योरेंस अनटिल द पॉलिसी इज एक्चुअली रिटन। A life insurance agent normally does not have the authority to bind the insurer. The applicant for life insurance must be approved by the insurer before the insurance becomes effective. Now, basically, these are the systems which are there as far as the insurance companies are concerned, the policies of the companies, the protection which the insurance companies provide, whether it is in shape of being provided by the agents or by the brokers, it is all mutually related. एजेंट अगर है तो प्रिंसिपल का क्या रोल है, एजेंट अगर है तो एजेंट का क्या रोल है, उसका क्या रिलेशनशिप है प्रिंसिपल के साथ, कहाँ एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं, कहाँ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, कहाँ अपेरेंट है। अपेरेंट उस हर चीज़ वो होती है जो सामने आपके नज़र आ रही होती है और उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती। एक्सप्रेस वो चीज़ होती है जो कहा जाता है ख़ास तौर से कि हाँ ये है, वो
इट इज एक्सप्रेसली सेड, और इम्प्लाइड बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसी चीज होती है कि जहां पे आपके पास वो एविडेंस प्रोवाइड होती है, वो सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से आप वो नतीजा बरामद करने पर मजबूर हो जाते हैं जो आपसे कहा जा रहा होता है। लिहाजा ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और ये रिलेशनशिप्स हैं किसकी, प्रिंसिपल और एजेंट्स के साथ। प्रिंसिपल एजेंट्स के हवाले से फिर ब्रोकर्स आते हैं और ब्रोकर जो हैं वो उनका रिलेशनशिप इंश्योरेंस के हवाले से होता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं और इसी इंटरलिंकिंग की वजह से आप ये देखें कि रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब मुख्तलिफ जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, मुख्तलिफ मार्केटिंग सिस्टम्स हैं उस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अब वो मार्केटिंग सिस्टम्स क्या हैं उस लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, एक स्लाइड है आपके सामने। एन एजेंसी बिल्डिंग सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच एन इंश्योरर बिल्ड्स इट्स ओन एजेंसी फोर्स बाय रिक्रूटिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग न्यू एजेंट्स। जब कभी, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जब कभी भी कोई बात होती है तो अगर हम अपने आप को करंट नहीं रखते उस प्रोसेस से, हम अपने आप को चेंजिंग स्कोप के हिसाब से नहीं ढालते, तो आप ये याद रखिएगा आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट एट टाइम्स आपको डिजास्ट्रस इवेंट्स से दो चार होना पड़ेगा। इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि आप बदलते हुए हालात के पेश नज़र अपना एटीट्यूड और अपने आप में जो बिजनेस कंसर्न्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं, उनके हवाले से रिस्क मिनिमाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, वो सब आपको एनालाइज उसी अंदाज में करने होंगे। और जनरल एजेंसी सिस्टम भी इसका जिक्र होता है कि जनरल एजेंसी सिस्टम क्या है और ये जनरल एजेंट करता क्या है, ये सब लिंक्ड है उस कारोबार के हवाले से। लेट्स सी व्हाट द स्लाइड सेज। द जनरल एजेंट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर who represents only one insurer and receives a commission based on the amount of business produced. Insurer provides some financial assistance, but the general agent is responsible for recruiting, training and motivating new agents. ye managerial system ki taraf le jata hai ki kis tarah se insurance agencies jo hain wo manage karti hain risk aur wahan pe kya kya system involve hote hain. let's see what further says as far as the management system is concerned. ब्रांच ऑफिसेज आर एस्टैब्लिश्ड इन वेरियस एरियाज, ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाता है। अब ये ना हो ताकि एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हो जाए और उस कॉन्सेंट्रेशन के पेश नज़र सारी बातें वहीं हो रही हूँ। लिहाजा ब्रांच ऑफिसेज होते हैं इंश्योरेंस एजेंसीज के, इंश्योरेंस कंपनीज के, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस, वेदर इट इज द ट्रेडिंग कंसर्न और इट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये मैनेज करने की बात होती है, किस तरह से मैनेजीरियल सिस्टम जो है वो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की जो पॉलिसीज हैं और गाइडलाइंस हैं। द ब्रांच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एजेंट्स एंड रिसीव्स अ कमीशन फ्रॉम द इंश्योरर। इंश्योरर पेज एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस एज वेल। मार्केटिंग सिस्टम इन लाइफ इंश्योरेंस, अ नॉन बिल्डिंग एजेंसी सिस्टम इज अ मार्केटिंग सिस्टम बाय विच एन इंश्योरर सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू एस्टैब्लिश्ड एजेंट्स। अ पर्सनल प्रोड्यूसिंग जनरल एजेंट इज अ सक्सेसफुल एजेंट who is hired primarily to sell insurance under a contract. Under a direct response system, insurance is sold directly to customers without the services of an agent. ab ye marketing system hai, dekhe baat ye hoti hai ki jab risk ki baat aati hai, jab karobar ki baat aati hai, jab investment ki baat aati hai, to side by side aapke zehen mein ab tak ye aa gaya hoga ki jab kabhi bhi ye zikr hote hain to unka sabse badi cheez hoti hai risk. रिस्क हवाले से जो इन्वेस्टर है, रिस्क हवाले से स्टेक होल्डर्स का, रिस्क हवाले से जो किसी अंदाज में भी उससे एसोसिएटेड है, जब उसका जिक्र आता है तो हमेशा इंश्योरेंस जो है उसके साथ लिंक्ड हो जाती है। जब लिंकेज की बात आती है इंश्योरेंस की, तो उसका जो सिस्टम है टोटल, वो भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंसेज होती हैं, बिजनेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के हिसाब से, और पर्सनल इंश्योरेंस भी होती है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होती है, और किसी अंदाज में लाइबिलिटी जब शोल्डर हम कर रहे होते हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है। जब तक ये मार्केटिंग सिस्टम उस हवाले से नहीं होगा सैचुरेटेड, जब तक कंप्लीट, जब तक मुकम्मल तौर से इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होगी इस तरह से, तो हम रिस्क को कैसे बचा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है। द इंडिपेंडेंट एजेंसी इज अ बिजनेस फर्म that usually represents several unrelated insurers. Agents are paid a commission based on the amount of business produced, which vary by the line of insurance.
agency owns the expirations of renewal rights to the businesses. Under the exclusive agency system, the agent represents only one insurer, a group of insurers under common ownership. Agents do not usually own the expirations or renewal rights to the policies. Agents are generally paid a lower commission rate on renewal business than on new business. Marketing systems in property and liability insurance continued. A direct writer is an insurer in which the salesperson is an employee of the insurer, not an independent contractor. Employees are usually compensated on a salary plus arrangement. ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि देखें होता यह है कि जो एजेंट है, जो इंश्योरर है, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसे मुफ्त में तो काम नहीं करेंगे ना. तो बात ये होती है कि उनका इतना इंसेंटिव उनको क्रिएट किया जाए, इतना इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज़ कर सकें, उन्हें फुलफ़िल कर सकें. जब तक ऑब्जेक्टिव रियलाइज नहीं होंगे, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने पर्सपेक्टिव्स को अटेन नहीं कर सकेगी. और इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिविटी जो है उनका रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है. और ये इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इसी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, और वही जाते हैं वही सारे इंश्योरेंस वगैरह करके ऑब्जेक्टिव अटेन करके आ जाते हैं. और जब उनका ये हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पूरा मुकम्मल हो जाती है, तो उसी हिसाब से फिर इंश्योरेंस जो पास ऑन हो जाती है प्रिंसिपल को, और उनके जो एजेंसी रिलेशनशिप्स हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं. फर्दर ऑन, अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स इंश्योरर सेल्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बाय टेलीविजन और सम अदर मीडिया यूज प्राइमरली टू सेल पर्सनल लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस. मैनी प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरर्स यूज मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग, मैनी इंश्योरर्स यूज ग्रुप मार्केटिंग मैथड्स टू सेल इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू एम्प्लॉयर ग्रुप्स, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस. Some property and liability insurers use mass merchandising plans to market their insurance. Employees pay for insurance by payroll deduction. Ab ye mukhtalif jo organizations hoti hain usme mukhtalif qisam ki insurances hoti hain, aur ye insurances jo hoti hai uski jo sabse badi cheez hoti hai, ahmiyat ye hoti hai ki jo employee hai kisi bhi hadse se do char ho jaye, kisi tarah se bhi kisi nuksan mein aa jaye, to uska jo group insurance ka jo silsila hota hai उसको वो सैलवेज कर लेता है. उसके लवाहिकीन को बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत से नुकसान से बचत हो जाती है. आपने ये देखा होगा कि इंश्योरेंस जो है वो कितना मुफीद अपना किरदार अदा करती है, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हो, चाहे वो कोई अदारा हो, चाहे वो कुछ कोई शख्स हो. लिहाजा जब कभी भी इंश्योरेंस का जिक्र आएगा रिस्क के हवाले से, चाहे वो इंडिविजुअल क्यों ना हो, उसका भी तो रिस्क है ना. आज वो है, कल को नहीं है. कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई डेथ हो सकती है, किसी अंदाज में कोई ऐसे वाक़े से वो दो चार हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर हो सकता है इतना ज़्यादा नुकसान में हो जाए कि वो क्या मुश्किल हो ज़िंदगी और सर्वाइवल. लिहाजा ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये हर जगह अपना एक मुस्बत रोल अदा करती हैं. अब इनका देखना है कि ये किस तरह से ऑपरेट करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस क्या हैं, और इससे हम अंदाज़ा करते चलें हमें होता चलेगा कि ये जो रिस्क किसी अंदाज में भी कैपिटलाइज होता है, रिस्क किसी अंदाज में भी एनालाइज किया जाता है, रिस्क किसी अंदाज में भी हमारे सामने आ जाता है, तो ये किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं. इंश्योरेंस का तो जिक्र हो ही रहा है, लेट्स सी कि किस अंदाज में ये ऑपरेट करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज. रेट मेकिंग है सबसे पहले. रेट मेकिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस. Total premiums charged must be adequate for paying all claims and expenses during the policy period. Rates and premiums are determined by an actuary using the company's past loss experience and industry statistics. ये आप याद करें कि जब कभी भी रिस्क को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो पास्ट ट्रेंड को देखते हुए किया जाता है. मैंने आपसे इसका भी जिक्र किया था कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक इवेंट माजी में हो गया है तो वो आइंदा भी हो. ज़रूरी ये भी नहीं होता कि एक इवेंट जो हो गया है वो ना हो. ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि क्या वाक़ियात थे जिसकी वजह से ये बात हुई, क्या फैक्टर्स हुए, और क्या वो फैक्टर्स अगर जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट हुआ है, मिसहैप हुआ है, तो क्या वो फिर रिपीट होने के इम्कान हैं. ये सारी चीज़ें उस वक्त देख ली जाती हैं जिस वक्त हम उसको एनालाइज करते हैं
रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं और इंश्योरेंसेस होती हैं। क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो किसी चीज़ को इंश्योर करती हैं, तो उसकी पास्ट एनालिसिस, पास्ट एक्टिविटीज, पास्ट एक्शंस किस अंदाज में वो किया जा रहा है वो देख लेती हैं, और जब तक इसको नहीं देखेंगी तो ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से इसकी एक्टिविटी रही। लिहाजा जब कभी भी बात हो, समझ में आने वाली बात है कि इवेंट, एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक्ड है और वो कंटिन्यूड लिंकेज रहेगा। अब अंडरराइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंश्योरेंस के हवाले से, लेट्स सी व्हाट इट सेज। अंडरराइटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड प्राइसिंग एप्लीकेंट्स फॉर इंश्योरेंस। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिटेबल बुक ऑफ बिजनेस। अ स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटिंग पॉलिसी एस्टैब्लिशेस पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, सच एज acceptable classes of business, amounts of insurance that can be written. A line underwriter makes daily decisions concerning the acceptance or rejection of business. There are three important principles of underwriting. The underwriter must select prospective insureds according to the company's underwriting standards. Ab pehle to ye dekhna hota hai ki underwriting hai kya. Ab underwriting ke process se hame malum ho jata hai ki haan kisi tarah se bhi agar koi risk hai ya loan hai ya koi aisi debt hai जिससे कि ये राइट ऑफ किया जा सकता है या उसकी जिम्मेदारी ली जा सकती है, तो वो इंश्योरेंस एजेंसीज कहाँ तक वो ले सकती हैं, फिर उसमें कितनी तरह की अंडरराइटिंग होती हैं। अब ये देख लिया जाता है किन प्रिंसिपल्स से वो अंडरराइट किया जाता है। ये आपने अक्सर सुना होगा अंडरराइटिंग के प्रोसेस, जब ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, जब एक्विजिशंस और मर्जर्स हो रहे होते हैं, ब्रोकरेजेस जो हैं वो अपने हाथ से अपना पार्ट प्ले करते हैं, और ये ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, इन्वेस्टर को बुलाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए ये अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट भी वहाँ जनरेट होता है। क्योंकि अक्सर इन्वेस्टमेंट में कबाहट जो आती है इस बात की, जब कभी भी कोई बात होती है तो वो कह देते हैं कि हमारे ऊपर फलां फलां जगह की लाइबिलिटीज हैं, उस पर जो ब्रोकरेज हाउसेज या इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एडवाइस करती हैं। एक्विजिशन और मर्जर्स जब होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी एडवाइस करते हैं और अंडरराइट करते हैं, और इसी तरह से जो लाइबिलिटीज़ वगैरह होती है वो ले लेते हैं, उनकी समझ में आ जाती है बात। लिहाजा ये अंडरराइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से ही होगा, जब तक कोई अंडरराइट करेगा, कोई लाइबिलिटी लेगा, और उसी लाइबिलिटी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा और रिस्क को मिनिमाइज करेगा। अब जिक्र हो रहा है अंडरराइटिंग के हवाले से कि वो क्या कंसिडरेशंस होते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं अंडरराइटिंग का। तो सबसे पहले मैंने इसका आपसे जिक्र किया है कि ये प्रोस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, जब वो इंश्योर्ड्स को कंसिडर किया जाता है कि कंपनी के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किस बुनियाद पर जाएगी और वो अंडरराइट करेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मजीद देखते हैं। अंडरराइटिंग शुड अचीव अ प्रॉपर बैलेंस विद इन ईच रेट क्लासिफिकेशन। इन क्लास अंडरराइटिंग एक्सपोजर यूनिट्स विद सिमिलर लॉस प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड चार्ज्ड द सेम रेट। अंडरराइटिंग शुड मेंटेन इक्विटी अमंग द पॉलिसी होल्डर्स। जब कभी भी बात आएगी तो हमेशा इक्विटी का जहन जरूर में रखना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स की इक्विटी है इसे किस तरह से मिनिमाइज करेंगे रिस्क से और अंडरराइटिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे। फर्दर ऑन, अंडरराइटिंग स्टार्ट्स विद द एजेंट इन द फील्ड। इंफॉर्मेशन फॉर अंडरराइटिंग कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन, द एजेंट्स रिपोर्ट, एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फिजिकल इंस्पेक्शन, अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अटेंडिंग फिजिशियंस रिपोर्ट and is the MIB report. After reviewing the information, the underwriter can accept the application subject to restrictions or modifications or reject the application. जब ये जिक्र होता है अंडरराइटिंग का तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो जहन में रख लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के, प्रिंसिपल्स होते हैं क्वालिटीज के, प्रिंसिपल्स होते हैं कंडीशंस के, प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्या एक्टिविटीज रही, प्रिंसिपल्स होते हैं क्या एक्शंस लिए जाते रहे, प्रिंसिपल्स हुए कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उस इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के, प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस अंदाज में इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिंसिपल्स होते हैं जब कभी भी बात हो तो कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए एंड अगेंस्ट व्हाट प्रिंसिपल्स। फर्दर ऑन, अब ये प्रोटेक्शन के हवाले से जब कभी भी बात होती है तो उसमें देखते हैं कि क्या रोल प्ले होता है और क्या समझा जाता है प्रोटेक्शन टेक्निक्स का। I'll refer you to a slide. Protection refers to the sales and marketing activities of insurers. Agents are often referred to as producers. Life insurers have an agency or sales department.
property and liability insurers have marketing departments. An agent should be a competent professional with a high degree of technical knowledge in a particular area of insurance and who also places the needs of his or her clients first. जब कभी भी कोई ऐसा एजेंट की बात आती है, इंश्योरर की बात आती है, तो कम से कम उस एजेंट के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड बंदा है, शख्स है, कंपनी है, जो समझता है ऐसे इवेंट्स को, जो समझता है कि ऐसे में किस तरह से क्लेम सेटल किया जाता है, जिसके अंदाजे में होता है कि हाँ ऐसे सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशन में क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं. क्योंकि अगर ऐसा शख्स वहाँ पर होगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी और या ऐसी कंपनी होगी जिसे कुछ पता ही नहीं होगा किसी बात का, किसी टेक्निकलिटी का, तो वो किस तरह से क्लेम को ऑनर करेगी, किस तरह से क्लेम को सेटलमेंट करेगी और क्लेम सेटलमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है. जब कभी भी बात होती है इंश्योरेंस के हवाले से, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है कि लॉस को ख़त्म करना. अब ये मामूली मामूली सी बात है, इंडिविजुअल की अगर इंश्योरेंस हो जाती है तो वो डिसेबिलिटी और डेथ के अगेंस्ट होती है, या किसी ऐसे नागहानी वाकयात से दो चार हो जाने से वो अपने आप को बचाता है, या अगर हो भी जाए तो कम से कम जो उसके हेयर्स हैं वो तकलीफ में ना हो कहीं एक्सीडेंट से, कहीं कोई और किसी बात से. जब कभी भी बात आएगी तो अपने आप का प्रोटेक्शन सीख करता है. यही हाल बिल्कुल कारोबार का है, यही हाल किसी भी बिजनेस सर्कल का है. जब कभी कोई बात होती है तो वो इंश्योरेंस का सहारा ज़रूर लेते हैं ताकि रिस्क जो है वो कम से कम हो सके. अब देखते हैं क्लेम सेटलमेंट किस तरह से होता है. अब आपके सामने है स्लाइड, आई विल रेफर यू टू दैट. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ अ कवर्ड लॉस, फेयर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ क्लेम्स, पर्सनल असिस्टेंस टू द इंश्योर्ड. सम लॉज प्रोहिबिट अनफेयर क्लेम्स प्रैक्टिसेस सच एज रिफ्यूजिंग टू पे क्लेम्स विदाउट कंडक्टिंग अ रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन, not attempting to provide prompt, fair and equitable settlements, offering lower settlements to compel insurers to institute lawsuits to recover amounts due. ab jab kabhi aisi baat aa jati hai, hota ye hai ki jab insurance companies ke baad claim settlement ka issue pahunchta hai to wo kuch companies, sari nahi, jo achhi companies nahi hain, jo principled companies nahi hain, jinke standards apne nahi hain, wo phir jab claims aate hain to usme anakani karti hain settlement mein. जब तक उनके पास क्लेम्स नहीं होते वो प्रीमियम्स की रिकवरी बहुत आराम से करवाती हैं, लेकिन जहाँ कहीं क्लेम का कोई इशू हुआ तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये कि अपने आप को विड्रॉ कर लें और अपना सेटलमेंट जो है वो अपने को अलग बचा लें. लिहाजा ऐसी कंपनी से हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहिए. फर्दर देखते हैं क्लेम सेटलमेंट का क्या और प्रोसेस है. द क्लेम प्रोसेस बिगिंस विद अ नोटिस ऑफ लॉस. नेक्स्ट द क्लेम इज़ इन्वेस्टिगेटेड. अ क्लेम्स एडजस्टर determines if a covered loss has occurred and the amount of the loss. The adjuster may require a proof of loss before the claim is paid. The adjuster decides if the claim should be paid or denied. Policy provisions address how disputes may be resolved. क्योंकि जब कभी भी कोई बात होती है इंश्योरेंस कंपनी मिनिमाइज करने के लिए की जाती है ताकि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो हर अंदाज में. अब जब रिस्क मिनिमाइज हो तो जब क्लेम सेटलमेंट की बात आए तो वो क्लेम सेटलमेंट जो है उसको हर तरह से इन्वेस्टिगेट करके और जो ड्यू सेटलमेंट है वो ज़रूर कर देना चाहिए, वरना रिस्क को कवर करने का फ़ायदा ही क्या. उसका एडजस्टर जो क्लेम है वो किस तरह से उसको एडजस्टमेंट करेगा जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखते हैं, समझते हैं और समझने के बाद उसे ये पता चल जाता है कि हाँ ये जेन्युइन ग्राउंड्स हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये क्लेम्स ऑनर कर देना चाहिए. अब री इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है, जिक्र भी मैंने किया था आपसे कि री इंश्योरेंस कब होती है और क्यों करवाते हैं और उसकी ज़रूरत क्या होती है. लेट्स सी व्हाट इट सेज इन द स्लाइड. री इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट बाय विच द प्राइमरी इंश्योरर दैट इनिशियली राइट्स द इंश्योरेंस ट्रांसफर्स टू अनदर इंश्योरर पार्ट और ऑल ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस एसोसिएटेड विद सच इंश्योरेंस. होता क्या है कि ये जो री इंश्योरेंस ली जाती है बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं उनके लिए. बात यह होती है कि अक्सर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है शायद इन केस ऑफ अ लॉस, इन केस ऑफ एनी इवेंट विच माइट इन्वोक दिस इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम, वो इतना मुतहम्मिल शायद ना हो जो अगर क्लेम सेटलमेंट की बात आए, लिहाजा वो इंश्योरेंस कंपनी आगे री इंश्योरेंस करवा लेती है.
जिससे कि होता यह है कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल पेश होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जिसने उससे री इंश्योरेंस ली वो पूरा क्लेम्स ऑनर कर लेते हैं, अडहेयर कर लेते हैं और उसका उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी बच जाती है और क्लेम्स को ऑनर कर लेती है और सेटलमेंट कर लेती है। उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना जितनी भी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है, यहाँ तक के जब कभी भी कोई बात होगी तो री इंश्योरेंस कंपनी से ही क्लेम ऑनर होगा। कभी वो पार्शली कर देती है, कभी टोटली कर देती है। लिहाजा ये बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस होती हैं, उसमें री इंश्योरेंस का काफ़ी अमल दखल होता है। फर्दर ऑन, द प्राइमरी इंश्योरर इज़ द सीडिंग कंपनी, द इंश्योरर दैट एक्सेप्ट द इंश्योरेंस फ्रॉम द सीडिंग कंपनी इज़ द री इंश्योरर, द रिटेंशन लिमिट इज़ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रिटेन बाय द सीडिंग कंपनी, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सीडेड टू द री इंश्योरर इज़ नोन एज अ सेशन। लिहाजा ये हमें समझ लेना चाहिए कि री इंश्योरेंस जो है वो किस बुनियाद पे होती है और इस बुनियाद की क्या वजह होती है। मैंने इस पे आपसे जिक्र किया था कि जब तक ये री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है उस वक्त तक जो ओरिजिनल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने आप को काफ़ी महफूज रख लेती है और फिर वो अपने जब कभी कोई सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स की बात आती है तो दे कैन फॉल बैक अपॉन द री इंश्योरेंस कंपनी। फर्दर ऑन कि री इंश्योरेंस से होता क्या है, री इंश्योरेंस किस लिए करवाती है वो इंश्योरेंस कंपनी। ये स्लाइड ज़रा देखें आपके सामने, री इंश्योरेंस इज़ यूज टू इंक्रीज अंडरराइटिंग कैपेसिटी, स्टेबलाइज प्रॉफिट्स, रिड्यूस द अनअर्नड प्रीमियम रिजर्व, द अनअर्नड प्रीमियम रिजर्व रिप्रेजेंट्स द अनअर्नड पोर्शन ऑफ ग्रोस प्रीमियम्स ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ कैटास्ट्रोफिक लॉस, रिटायर फ्रॉम बिजनेस टू और फ्रॉम अ लाइन ऑफ इंश्योरेंस और टेरिटरी, obtain underwriting advice on a line for which the insurer has literal experience. और ये वजह ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाद वक्त जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो समझ रही होती हैं कि शायद उनको इतना एक्सपर्टीज नहीं है, जितना एक्सपीरियंस नहीं है कि इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपोजर को अगर कहीं कोई नुकसान पहुँचे तो क्लेम किस तरह सेटल करें। तो अपने आप को महफूज रखने के लिए मैंने पहले भी कहा था वो री इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो लिहाजा ये री इंश्योरेंस का फाल और मुस्बत किरदार है जो होता है। मज़ीद देखते हैं री इंश्योरेंस के हवाले से और क्या इंफॉर्मेशन है। देर आर टू प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ री इंश्योरेंस, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस इज एन ऑप्शनल केस बाय केस मेथड दैट इज यूज्ड व्हेन द सीडिंग कंपनी रिसीव्स एन एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस दैट एक्सीड्स इट्स रिटेंशन लिमिट। इसको कहते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। अब जब फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस होती है तो ये ऑप्शनल भी हो सकती है, ये केस बाय केस मेथोडोलॉजी भी हो सकती है। जो एक पर्टिकुलर केस में री इंश्योरेंस करवाई गई तो ये इस तरह से री इंश्योरेंस हुई। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि जो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस है ये हर केस में अप्लाई की जाए, हर जगह ये अप्लाई हो, नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें होता है कि एप्लीकेशन एक रिसीव की जाती है और उस एप्लीकेशन के रिसीट के साथ साथ इंश्योरेंस जो है वो अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाती है उसकी रिटेंशन लिमिट के साथ, लिहाजा री इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। फर्दर ऑन एक ट्रीटी इंश्योरेंस भी होती है, वो क्या होती है वो देखिए। ट्रीटी री इंश्योरेंस मीन्स द प्राइमरी इंश्योरर हैज अग्रीड टू सीड इंश्योरेंस टू द री इंश्योरर एंड द री इंश्योरर हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट द बिजनेस। अब उसमें क्या होता है कि ये जो री इंश्योरर है उसे ये बिजनेस बता दिया गया कि ये बिजनेस है, इसको इस तरह से इंश्योर करना है, लिहाजा अब ये जो री इंश्योरर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो ट्रीटी इंश्योरेंस उसकी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्लेम्स का सेटलमेंट होता है। फर्दर ऑन अंडर अ कोटा शेयर ट्रीटी द सीडिंग इंश्योरर एंड द री इंश्योरर एग्री टू शेयर प्रीमियम्स एंड लॉसेस बेस्ड ऑन सम पोर्शन। ये प्रोपोर्शनेट होता है एडजस्टमेंट इसका, चाहे लॉसेस हों या गेन्स हों, इसका प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट होता है और इस प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट के साथ साथ वो फिर अपने लॉसेस एंड गेन्स का अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट भी करते हैं। तो दिस कम्स इनटू द ट्रीटी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रीटी शेयर जो जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। फर्दर ऑन अंडर अ सरप्लस शेयर ट्रीटी द री इंश्योरर अग्रीज टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस इन एक्सेस ऑफ द सीडिंग इंश्योरेंस रिटेंशन लिमिट up to some maximum amount. An excess of loss treaty is designed for catastrophic protection. A reinsurance pool is an organization of insurers that underwrites insurance on a joint basis. Ab ye ek isi tarah se aapne dekha ki jo insurance company ka kitna zyada network ban gaya, kitni conditions aa gayi,
कितनी इसमें कॉजेज आ गए, कितने इसमें स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट्स आ गए, कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस और री इंश्योरेंस आ गई, कहाँ तक इसका मैकेनिज्म है और किस तरह से मार्केट में इसकी कंडीशंस होती हैं, मार्केट इंश्योरेंस डायनेमिक्स क्या हैं, एक पूरा सिनेरियो है जो पार्ट प्ले अपना करता है। और ये किस हवाले से करता है, ये मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क के हवाले से करता है। जब तक इंश्योरेंस के हवाले से, रिस्क के हवाले से हमें मार्केट डायनेमिक्स का पता नहीं होगा, उस वक्त तक हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तरह से फाइनेंशियल प्रीरोगेटिव्स हमें हासिल है और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट में कोई क्राइसिस आएगा तो किस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। लिहाजा जब कभी भी बात होती है तो हम इंश्योरेंस का हवाला देते ज़रूर हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, बात यह होती है कि इंश्योरेंस की, उसके हवाले से देखी जाती है री इंश्योरेंस की। अब री इंश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स भी कुछ होंगे और री इंश्योरेंस के क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो भी देखते हैं। सम इंश्योरर्स यूज द कैपिटल मार्केट्स एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिस्क मीन्स दैट एन इंश्योरेबल रिस्क इज ट्रांसफर टू द कैपिटल मार्केट्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट परमिट the issuer of the bond to skip or reduce the interest payments if a catastrophic loss occurs. ab ye bahut zaruri hota hai, iski wajah ye hoti hai ki jab kabhi insurance ke claims huge amounts ke aa jate hain to wo catastrophe aa jati hai. naturally jab claims hoga to uske hisab se bade huge claims honge to wo offset karne ke liye bahut zyada mechanism ki zarurat hoti hai. और देखें जब कभी भी कोई बात होगी, जब क्लेम्स के सेटलमेंट का जिक्र आएगा तो वो क्लेम्स का सेटलमेंट जो है वो इसी अंदाज में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपने आप को बचा कर तब इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट करती हैं और यही फिर अल्टरनेटिव्स होते हैं री इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, मार्केट इंश्योरेंस डायनेमिक्स, ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से मुतासर होता है, लेट्स सी अबाउट इट। Because premiums are paid in advance, they can be invested until needed to pay claims and expenses. अब जब premiums दे दिए जाते हैं, हमेशा जब कभी भी insurance की जाती है तो उसका premium जो है वो दे दिया जाता है, और जब premium advance में दिया जाता है तो खातर खा premium होता है। जब ये होता है तो क्या करते हैं, उसका investment कर देना चाहिए ताकि उसके भी returns generate हों। आप ये भी देख लीजिए, कभी ऐसा बहुत कम होता है लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि अगर क्लेम्स लॉज होते हैं तो एक साथ जितनी भी इंश्योरेंस की गई उनके सबके क्लेम्स एक इकट्ठा लॉज हो गए, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो उसमें क्या सिचुएशन होती है कि जब प्रीमियम्स एडवांस में मिलते हैं तो वो प्रीमियम्स इन्वेस्टमेंट की रोशनी में ज़रूर हो जाने चाहिए, और यही प्रीमियम्स का तरीका होता है ताकि इन्वेस्टमेंट इससे प्रमोट करें। एक तो ये कि जब एडवांस में आपको प्रीमियम मिल जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाना चाहिए। फर्दर ऑन, इन्वेस्टमेंट इनकम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू पॉलिसी ओनर्स एंड ऑफसेटिंग अनफेवरेबल अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, द सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन। इन कॉन्ट्रास्ट टू लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर एंड क्लेम पेमेंट्स कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन कैटास्ट्रोफिक लॉसेस, इन्फ्लेशन, मेडिकल कॉस्ट एक्सेट्रा। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिससे कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योर्ड को प्रोटेक्ट कर सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से, ताकि वो कॉस्ट जो है उसको वो मिनिमाइज कर सके। और वो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इस तरह से होती है कि अगर वो एडवांस में जो प्रीमियम मिला हुआ होता है उसका इन्वेस्टमेंट कहीं कर दिया गया होता है, और जब उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो रिटर्न से उस इंश्योर्ड को फ़ायदा होता है। अब जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी कोई फंक्शंस होते हैं। आप क्या ऐसा ना समझिएगा कि कंपनी इंश्योरेंस की एक या दो है, टाइप भी एक या दो है, नहीं, ये पूरा डायनेमिक्स है, पूरा मार्केट है, एक जगह से दूसरी जगह तमाम ये इंश्योरेंस कंपनीज फैली हुई हैं, किस अंदाज में ये ऑपरेट करती हैं। बहुत सी सिचुएशन तो ऐसी होती है जो लोकली शायद हमारे लिए इतनी फीजिबल भी नहीं होती, हमें उनका पता भी नहीं होता, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जब कभी इंश्योरेंस डायनेमिक्स की बात हम करते हैं तो वो बड़ा ही स्प्रेड आउट होता है, हर कदम पे इंश्योरेंस होती है, जिससे कि आप तो तसव्वुर ये किया जाता है कि अपनी शख्स की और कारोबार की बहुत ज़्यादा हिफाजत हो जाती है और किसी तरह से किसी अंदाज में भी रिस्क को वो मिनिमाइज कर लिया जाता है। आइए देखते हैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से फंक्शंस करती हैं।
The electronic data processing area maintains information on premiums, claims, loss ratios, investments and underwriting results. The accounting department prepares financial statements and develops budgets. In the legal department, attorneys are used in advance underwriting and estate planning. Property and liability insurers provide numerous loss control services. These are the various kinds of insurance companies which are moving about in the market. And of course, they are moving about in a particular dynamics of the area. Now, ab, as far as insurance is concerned, inke financial operations kis tarah se hote hain insurers ke? Kyunki zahir hai, jab kabhi ye move karte hain, jab ye kabhi claims settle karte hain, premiums ki baat karte hain, aur kis andaaz mein ye policies jo hain wo dete hain, ye sara kuch jo hai muhit hota hai inke financial operations ke irad. Let's see how they operate. Financial statements of property and casualty insurers, balance sheet, a summary of what a company owns and what it owes. Total assets is equal to total liabilities plus owner's equity. Ye balance sheet ka concept hota hai. Balance sheet wo zarur rakhte hain. Misal ke taur pe ABC insurance company hai, uske assets dekhenge, uske liabilities dekhenge aur uske baad wo dekhte hain ki usme growth kya hai, usme trend kya hai, usme ratios kis tarah se hain, profitable ratios hain ya loss invoking ratios hain. Plus ke ye sari cheezein jo hain wo dekhi jati hain. Example aapke samne hai aur jab kabhi bhi koi aisi situation hoti hai to usme hamesha ye dekha jata hai ki financial statements jo hain wo reflect karte hain us company ki health. और किस तरह से वो मूव करता है, किस तरह से एसेट जनरेट करता है, किस तरह से लायबिलिटी शोल्डर करता है, किस तरह से उसकी रेटिंग हो रही होती है, किस तरह से इंटरनल रेटिंग होती है, एक्सटर्नल रेटिंग होती है, जिसका मैं गाहे बगाहे जिक्र करता आ रहा हूँ आपके साथ. तो उसी हिसाब से जब कभी रेटिंग की बात आएगी, जब कभी रिस्क की बात आएगी, जब कभी एनालिसिस की बात आएगी, उसी वक्त इंश्योरेंस की बात आ जाएगी. और जब ये सारे रिफ्लेक्शंस किस में होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसी हिसाब से फिर इंश्योरेंस के क्लेम्स भी होते हैं और उसी हिसाब से इंश्योरेंस के प्रीमियम भी डिटर्मिन होते हैं और उसी हिसाब से इंश्योरेंस की वैल्यूज़ भी होती हैं और उसी हिसाब से फिर डायनामिज्म भी होता है. जब ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो गरज के एक जो है इंटरलिंक्ड है दूसरे से. किसी दूसरे को किसी के साथ हमेशा रिजेक्ट नहीं किया जाता, वो लिंक्ड होता है, चेन होती है एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ. अभी देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस क्या चीज़ें होती हैं. द प्राइमरी एसेट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी आर फाइनेंशियल एसेट्स. इंश्योरर्स लाइबिलिटीज इंक्लूड रिक्वायर्ड रिजर्व. अ लॉस रिजर्व इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर क्लेम्स रिपोर्टेड एंड एडजस्टेड बट नॉट येट पेड, क्लेम्स रिपोर्टेड एंड फाइल्ड बट नॉट येट एडजस्टेड, क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट येट रिपोर्टेड टू द कंपनी. दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर देयर एज फार एज द इंश्योरेंस कंपनीज आर कंसर्न. और किसी तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो और क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं ये भी देखते हैं एक स्लाइड. केस रिजर्व्स आर लॉस रिजर्व्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम. मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग केस रिजर्व्स इंक्लूड द जजमेंट मेथड. अ क्लेम रिजर्व इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम. द एवरेज वैल्यू मेथड एंड एवरेज वैल्यू इज असाइंड टू ईच क्लेम. द टेबुलर मेथड. लॉस रिजर्व्स आर डिटरमिंड फॉर सर्टेन क्लेम्स फॉर व्हिच द अमाउंट्स पेड डिपेंड ऑन डेटा डिराइव्ड. ये सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, क्योंकि उसका एक मैकेनिक्स होती हैं, उसका मैकेनिज्म होता है, उसमें देखा जाता है कि किस अंदाज में फाइनेंशियल कंपनीज देती हैं. क्योंकि बात आ जाती है रुपए पैसे की, क्योंकि जब इंश्योरेंस के पास क्लेम पहुँचता है तो वो सेटलमेंट करेगी ना किसी प्रोसेस से, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो अंडरलाइन किस तरह से होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ इन स्लाइड्स की मदद से और फिर आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल्स के हवाले से, ताकि जब कभी भी कोई सेटलमेंट क्लेम का हो रिस्क के हवाले से इंश्योरेंस का, तो वो इन लाइंस पे ऑपरेट होता है फाइनेंशियली. फाइनेंशियल ऑपरेशंस इस तरह से वर्कआउट होता है. अब इनके पास रिजर्व्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के. बात ये होती है कि उन कंपनीज के जो रिजर्व्स हैं वो किस बुनियाद पर ऑपरेट होते हैं, किन बेसिस पे वो कंसिडरेशन होते हैं, रिजर्व उनका कैसे बिल्डअप किया जाता है. जब कभी रिजर्व उनके बिल्डअप करते हैं तो ये पता चल जाता है कि हाँ ये रिजर्व किन मानों में किस तरह से उनका सेटलमेंट होगा. रिजर्व होता किस वजह से है, ताकि वो पे कर सकें जो लॉसेस आए. कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो तैयार रहती हैं. और इंश्योरेंस कंपनी क्यों तैयार रहती हैं, ये किसी वक्त भी कोई इवेंट हो सकता है, किसी वक्त भी कोई बात हो सकती है, तो क्यों इसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए. वजह यह है कि जब रिजर्व्स होते हैं
आपको मैंने ये भी जिक्र किया हुआ है पहले से कि जब किसी कंपनी की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा करते हैं, किसी कंपनी को देखते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं, जब कभी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखते हैं, उसके जो फाइनेंशियल्स खोलते हैं, फाइनेंशियल्स खोलने के साथ उसके रिजर्व्स देखते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल उसी तरह से कि जब कभी इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंट्री के बारे में डिटर्मिन करना होता है कि यहाँ पे इसका किस तरह से ये स्टेबल इकोनॉमी है या नहीं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इस कंट्री के रिजर्व्स क्या हैं, और अगर वो कंट्री के रिजर्व स्टेबल होते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो रहा होता है, और उसका जो अट्रैक्शन है वो इस बात की अलामत होता है कि हाँ रिजर्व्स इसके स्टेबल हैं, इसमें जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इसके रिटर्न्स हमें एडिक्वेटली मिल जाएंगे, प्लस इसके रिटर्न्स को हमें मिलने में कोई कबाहत नहीं होगी। जब कभी भी कोई बात आएगी तो रिजर्व स्टेबल होने की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा यही सिलसिला होता है किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, यही सिलसिला होता है जब इंश्योरेंस की बात आती है, कि जब क्लेम्स के सेटलमेंट की, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके पास अपने रिजर्व्स होते हैं, और उन रिजर्व्स को वो इस तरह से एनालाइज करते हैं कि अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए और उन्हें पेमेंट फौरी तौर पे करना पड़े तो वो इसको रोके ना और वो फौरी तौर पे क्लेम सेटल करें। लिहाजा एक जो इन्वेस्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने बात कही थी वो अपना बहुत पार्ट प्ले करती हैं, और क्या पार्ट वो थी, वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो प्रीमियम एडवांस में रिसीव होता है उसे ले कर कहीं रख ना लिया जाए, बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो उससे रिटर्न्स हों वो ऐसे सिचुएशन को बचा सकें, सेल्वेज कर सकें आपको, जिसकी वजह से वो रिटर्न्स आपके काम आए और आपको अगर कभी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो उससे अपने आप को बचाया जा सके। लिहाजा जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि रिजर्व्स उसके स्टेबल हैं या नहीं। बात यह होती है रिजर्व्स की, जब रिजर्व्स की बात आएगी तो हमेशा जहन में ये रखिएगा कि किसी कंपनी की इफादियत, किसी कंपनी की स्टेबिलिटी इंश्योरेंस क्लेम पे करने की वो बड़ी ज़रूरी होती है, ताकि वो पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस कंपनी के केस में तो पॉलिसी होल्डर्स ही आते हैं ना, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिस वक्त वो क्लेम लॉन्च करें उन्हें वो फौरी तौर पर मिल जाए, एक बार। दूसरी चीज़ ये कि जो री इंश्योरेंस होती है, री इंश्योरेंस भी आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कुछ प्रोपोर्शन के हिसाब से डिटर्मिनेशन उसका होता है, लॉस का और प्रॉफिट का या डिविडेंड का, कुछ आपस में जब अग्रीमेंट री इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से और जो ओरिजिनल कंपनी है उसके हिसाब से आपस में इन लोगों में डील तय होता है, अग्रीमेंट होता है कि कुछ प्रोपोर्शन में लॉस आप सस्टेन करेंगे, कुछ प्रोपोर्शन में वो करेंगे, कुछ प्रॉफिट आप रखेंगे, कुछ प्रॉफिट ये रखेंगे, तो गोया कि ये अरेंजमेंट है आपस में डील करने का और फाइनलाइजेशन का, ताकि वो इंश्योरेंस जब अगर आए, इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करे तो उसके हिसाब से वो सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैरी ऑन किए जा सकें। आज हम यही जिक्र करते रहे रिस्क के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रिस्क किस तरह से प्रोटेक्ट होता है, किसके इंश्योरेंस के क्या पार्ट अपना प्ले करती है, और जब इंश्योरेंस अपना पार्ट प्ले कर जाती है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, और ये हमें आगे ले चलता है इस बात पे दिखाने के लिए कि हाँ यही सब कुछ नहीं है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम किसी भी कारोबारी इदारे में या कारोबार में अपने आप को रिस्क से बचा सकते हैं और रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से आया रेट मेकिंग का, जैसे जैसे सीवियरिटी के हिसाब से वो इंश्योरेंस होती है रेट उसी हिसाब से डिटरमिन किया जाता है, अंडर राइटिंग के कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि इंशुबाज मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अंडर राइट करती हैं, कहीं किसी की वो लाइबिलिटी है वो अंडर राइट कर दी जाती है, और उस अंडर राइट करने से वो बहुत से बिजनेस लॉसेस से बच जाते हैं और इससे इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, लिहाजा इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अंडर राइटिंग में भी इन्वॉल्व होती हैं, फिर प्रोडक्शन किस तरह से उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और क्या इनके पास टेक्निक्स होती हैं, और ये याद रखिएगा कि जिस वक्त क्लेम सेटलमेंट की बात इंश्योरेंस कंपनी में होती है तो हमेशा टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली क्वालिफाइड जो पर्सनल्स हैं वो बहुत फाल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर उनको ये मालूम होता है
कि किस बेसिस पे ये क्लेम लॉज हुआ है, तो उसी बेसिस को जहन में रखते हुए वो क्लेम ऑनर करते हैं। वो सारी इंट्रिकेसीज जानते हैं, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जानते हैं, सारी डिटेल्स उन्हें पता है। जब एक एक चीज़ का उन्हें अंदाज़ा होता है तो उसी हिसाब से वो फिर मूव करते हैं। लिहाजा जब कभी भी क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो हमेशा इंट्रिकेसीज के साथ साथ वो क्वालिफाइड पर्सनल्स होते हैं जो ऑनर कर लेते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट फिर हुआ, बहुत बात हुई, जिक्र हुआ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का, तो किस तरह से एक कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इवेंट वो अपनी बचत के लिए, अपने को प्रोटेक्शन के लिए, अपने को हिफाजत में करने के लिए वो री इंश्योरेंस करवा लेती है उस क्लेम की, जिसमें क्या होता है कुछ गेंस या कुछ लॉस का ट्रांसफ़र होता है उस कंपनी के दरमियान और री इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान। जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो री इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपना क्लेम्स इस तरह से आपस में सेटल कर लेती हैं। और यही बात होती है कि जब कभी, मैंने आपसे ये भी जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट्स हुए, इंश्योरेंसेस हुई, उसके प्रीमियम्स जो हैं वो एडवांस में लिए गए। जब एडवांस में प्रीमियम्स लिए गए तो फिर क्या है, उनको ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर कभी कोई बहुत हादसाती तौर पे बड़े बड़े इंश्योरेंस क्लेम लॉज हुए उनके सेटलमेंट में, ताकि रुकावट ना हो सके, किसी अंदाज में कोई ऑनर किए जा सकें। क्योंकि जब ये रिजर्व्स बिल्डअप कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी हिसाब से फिर क्लेम्स जब लॉज होते हैं तो वो क्लेम्स जो हैं वो फिर ऑनर हो जाते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं रिस्क से एसोसिएटेड हैं, और किसी भी बिजनेस कंसर्न को कभी इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो रेट मेकिंग हो, अंडरराइटिंग हो, प्रोडक्शन को देख लेना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट की बात हो कि टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ हो, और री इंश्योरेंस की मेथोडोलॉजी जो आपस में वर्कआउट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट से हमेशा क्लेम्स के सेटलमेंट में आसानी होती है। जब ये इश्यूज आ जाते हैं जहन में, जब ये बातें सारी आ जाती हैं, तो हमेशा बड़ा स्मूथ फ्लो हो जाता है सेटलमेंट के हवाले से। आपने देखा कि इंश्योरेंस जो है कितना रोल अपना प्ले करती है और रिस्क को मिनिमाइज करती है। इसी बात को आप जहन में रखिएगा और आप देखिएगा कि इंश्योरेंस कितना रोल इफ़ेक्टिव प्ले करती है। अब रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, आप भी सोचिएगा ये जो जितनी आप कारोबारी एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या सब ये इंश्योर्ड हैं, आपके जहन में आएगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा। बात को हम यहीं रोक देते हैं, आइंदा फिर इसी बात को बढ़ाते हुए अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।